शंखम सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वंदे धन्वंतरिं तव निखिल प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आइए हम लोग कुछ कुछ विषयों पे बात करेंगे, कुछ केस टेकिंग करेंगे। यहाँ पर एक डॉक्टर सुखविंदर कौर मैम, कोई न्यू कमर है, कोई तो है। डॉक्टर सुखविंदर कौर मैम, आप कौन है, अपना परिचय देंगी, इंट्रोडक्शन देंगी आप प्लीज। देखिए अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, अगर आप शर्मा रही हैं तो आप थोड़ा देर के बाद बताइए। जी बताइए मैम, आप कौन है, आवाज आ रही है मेरी? शायद आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। चलिए हम लोग थोड़ा शतावरी पे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी हाँ जी, जी बताइए आप कौन सर, है। मेरा नाम सुखविंदर कौर है। जी जी सर, जी हाँ बताइए। हाँ जी सर, मेरा हाँ जी, मेरी एज 46 ईयर है। बाय प्रोफेशन सर मैं टीचर हूँ। अच्छा, तो आप किसी की पेशेंट हैं यहाँ पे ज्वाइन हुई है, केस टेकिंग की है? यस, माय ब्रदर है, मेरे ब्रदर हैं रजिंदर सिंह। अच्छा, हाँ जी, पहचान गए। डॉक्टर इसमें सरदार जी आपकी बहन है ये मैडम, सरदार जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, आप इनका केस टेकिंग करिए प्लीज, अगर आप खाना नहीं खा रही हैं तो, जी सर, गुड इवनिंग सर। क्योंकि आप जो केस टेकिंग करती है सबसे अच्छा करती है, बेस्ट करती है। सर मैं एडमिट नहीं कर पा रहा, मेरी सिस्टर है सर ये। इनको क्या तकलीफ है सर? सर इनको फिर 2-3 बार टाइफाइड हो चुका है, तो कंटिन्यू कई प्रॉब्लम है सर। टेस्ट कर लीजिए सारा बढ़िया। जी तो शशि तिवारी मैडम जी, आप चंडीगढ़ में रहती हैं, आपको पंजाबी तो आती होगी, आप इन पंजाबी में भी बात कर सकती हैं। जी बोलिए शशि मैम। शशि मैम की आवाज, हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ जी मैम, हाँ मैम बताइए क्या तकलीफ है मैम आपको। मैम मुझे ना अक्टूबर में लास्ट ईयर टाइफाइड हुआ था, उससे पहले भी हुआ था मुझे 2020 में, प्रीवियस टाइफाइड? ईयर जी। तो उस बाद ना जैसे मेरा वेट लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी थोड़ी सी श्रिंक सी हो गई है, जैसे मैं देखने में बहुत दुबली दुबले पतले पतली। हो गए हो। यस 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 मैम। तो मैम आपका मतलब एज कितनी है आपकी? 46 ईयर्स है मैम। 46। तो हाइट वेट कितना 5'3" है मेरी हाइट और वेट है है? 54। ओके, 5'3" की हाइट में 54 है। तो पहले टाइफाइड होने से पहले कितना वेट था आपका? मैम वेट मेरा 57 से ऊपर कभी नहीं हुआ, इतना 57। तो अभी तो 2-3 kg लॉस हुआ ना? हाँ जी, फेस बहुत वीक हो गया है। मे बी दिस इज एज फैक्टर और इट इज ड्यू टू टाइफाइड। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी बात करते हैं सारी चीजें। तो मैम अभी पीरियड वगैरह आते हैं ना?
जी मैम। तो पीरियड में तो कोई इश्यू नहीं है? नो वो ठीक है, साइकिल मेरा पीरियड्स का 28 डेज। नहीं मतलब उसका ड्यूरेशन, अमाउंट, ये सब सारी चीजों में सब सही यस है? यस मैम, टोटल 3 डेज होते हैं। फर्स्ट डे नॉर्मल होती है, सेकंड डे थोड़ा सा फ्लो ज्यादा होता है, थर्ड डे मतलब होते होते ओवर हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बात बताइए मैम, थोड़ा सा आप अपनी दिनचर्या मुझे बताएंगी पहले, क्योंकि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो और क्या क्या कब खाते हो? हाँ जी मैम, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो मैं मॉर्निंग 5 o'clock उठती हूँ। सुबह पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ थोड़ा सा, और बाद में बादाम होते हैं भिगोए हुए, देन मैं आपकी लस्सी। आवाज मुझे थोड़ी कटी कटी लग रही है, आप चाहो तो अपना वीडियो थोड़ा बंद कर दो तो आवाज शायद और बेहतर आ जाए, क्योंकि जी जी मैम, तो नेटवर्क इशू फंस जाते हैं मैम कई बार। मॉर्निंग में मैम वाटर, बादाम, भिगोए हुए ब्रेकफास्ट, पराठा वगैरह सब के साथ, या चटनी वगैरह कुछ, मक्खन घी के साथ लेती हूँ। स्कूल में करती हूँ 11 बजे के आसपास, 12 बजे मैं लंच करती हूँ, सब्जी दाल कुछ। तो मैम चाय जैसे आप 5 बजे सुबह उठते हो और स्कूल जाने से पहले कुछ कुछ खाते पीते हो, तो क्या उस टाइम आपको भूख लगी होती है मैम? जी मैम, एक्चुअली ना जो मेरे ब्रदर हैं रुक है ना, उन्होंने मुझे गाइड किया था। पहले ना मुझे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम थी, बहुत साल मुझे सिचुएशन रहा। एक्चुअली मेरी ना फैमिली प्रॉब्लम, लिटिल था मतलब, थोड़ा हाँ नहीं वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखो मैम बगैर भूख के खाओगे ना, ठीक है हम 5 बजे उठे हैं लेकिन हमें अगर भूख नहीं लगी है और बगैर भूख के कुछ भी खा रहे हैं ना, तो फिर वो हमारे डाइजेस्टिव फायर के ऊपर बहुत बड़ा लोड पड़ता है। सिंपल अली सी मैम है, जैसे वो कर गया कि अभी ना ब्रदर ने सजेस्ट किया था ड्राई जिंजर वाटर बॉइल करके, 2 लीटर वाटर इनटेक लेती हूँ। 40 50 डेज पहले स्टार्ट किया, ब्लोटिंग थी भी ठीक है, लेकिन जो वो ऐसा पर्टिकुलर मॉर्निंग का कुछ नहीं हो रहा है। ये 2 बार भी करना नहीं पड़ता है। जितनी बार आप खाना खाते हैं, एक बात बताइए, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया फिर 11 बजे फिर कुछ आप खाए फिर घर आकर के फिर या स्कूल में फिर लंच करते हो गए, तो ये सारी चीजें जितनी बार आप खाना खा रहे हो आपको भूख लगी होती है कि टाइम हो गया सो खा रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं मैं खाती हूँ, भूख लगती है। अच्छा, तो भूख लगने से ही खाना खाते हो, और अभी जब मतलब ब्लोटिंग होती थी उसके पहले जब सर ने सजेस्ट किया है उसके बाद ऐसा हुआ है कि पहले भी था कि भूख से ही खाना खाते थे? पहले मैं खा लेती थी, क्योंकि ये होता था ना कि काम करना है, एनर्जी लेवल चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं खाती थी बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा खा लेती थी, वोटिंग की वजह से नहीं खा पाती थी, वो भरा भरा रहता ना। हाँ तो जी अभी मतलब चलो अच्छा अभी ये चेंज कर लिया है कि भूख लगने पर ही खाना खाते हो, है ना? मैम, और मैम दिन में भी सोने की आदत है जैसे स्कूल से आकर रेस्ट वेस्ट करते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली मैं दिन में नहीं सोती हूँ, फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। चलो ये बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि कुछ वजह होती है। अच्छा दही वगैरह का कंजम्पशन कितना रहता है मैम, नहीं क्या मैम, मैं डेली ले लेते हो मैं बेसिस पर आफ्टरनून में? दिन में एक बार लेती हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले जब ब्लोटिंग थी ना तो मिल्क प्रोडक्ट मुझे खाने का मन करता था, मैंने दूध किया है, ये लेती हूँ इससे, दूध कटोरी, मीडियम साइज की एक कटोरी उसकी लगती है, या दही में और दूध। आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे कट कर आ रही है, और लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे को ही लग रहा है? आपकी आवाज पूरी ऑडिबल है मुझे मैम। अच्छा आवाज अच्छा कट आ रही है, पैर तू बाहर आ जा जे, कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क का इशू है। हाँ ठीक है मैम, मैं रूम से बाहर आती हूँ। हाँ प्लीज मैम, सुनो हाँ उसमें ना जी चीजों को फिर हमें अपने हिसाब से सोचना पड़ रहा है कि आप क्या बता रहे हैं।
ओके ओके मैम, जस्ट जस्ट गिव मी अ जस्ट मिनट. या मैम. क्या हुआ, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है? हाँ सर, वो थोड़ा सा नेटवर्क, तो सर मैं थोड़ा बाहर क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कम होता है सर. आप ऐसे ही बताइए ना, जो भी बताना है आपको, हाँ जी, हमने तो देख तो लिया मैं कि सब जी चीज सर समझ वीडियो गया. तो ऑफ ही. जी तो एक बार बताओ मैम, जैसे आप टीचर हो और जी टीचिंग में मतलब एक रूल होता है कि जैसे क्लास में टीचर छोड़कर नहीं जा सकता है जब भी क्लास में होता है, तो जैसे मान लो यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह आता है, तो क्या उन सब प्रेशर वगैरह को होल्ड होल्ड करते थे आप? सम टाइम्स हो जाता है. वैसे जब से मुझे मेरे ब्रदर ने बताया है तब से मैं जाती हूँ, क्लास छोड़कर भी ओके. जाती हूँ. पहले हाँ, वो होता ब्लोटिंग था. जो आपको होती थी ना, वो उसी वजह से थी. तो जो भी नेचुरल अर्जेस होते हैं, चाहे यूरिन है, चाहे पॉटी है, स्नीजिंग है, कुछ भी इस तरह के आ रहा है, तो उस अर्ज को रोकना नहीं है. जब आप रोकेंगे ना, तो ये ब्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है. और भूख से खाना खाना, और भूख से थोड़ा सा कम ही खाइए हमेशा, इस बात का ख्याल रखिए. ठीक है मैम, हाँ तो ये हाँ चीजों जी का है. और क्या क्या मतलब है, कुछ और भी वजह है? जैसे मान लीजिए चाय कितनी बार लेते हो मैम? चाय मैम मैंने अभी 1 मंथ पहले छोड़ दी है. वीक में कभी कभार, थोड़ी सी थोड़ी लगता है ना कि एग्जॉस्ट हो गई हूँ, उस दिन थोड़ी सी ले लेती हूँ. वीक में एक दो बार, पहले डेली मैंने छोड़ी पहले है. कितनी बार लेते थे? पहले दिन में 2 बार ले लेती थी. अच्छा, और हाँ, चाय के खाली साथ बिस्किट पेट. नमकीन वगैरह? यस मैम, थोड़ा बहुत चाय के साथ ओके. ले ले. अच्छा मैम, जैसे आपने बोला कि अभी टाइफाइड हुआ था, इसके पहले 18 में टाइफाइड हुआ था, उसके अलावा बीच बीच में भी कुछ तकलीफ चलती रहती कि कभी कभी जैसे आपको ऐसा लगता हो कि बदन बहुत दुखा दुखा सा लग रहा है, बहुत दर्शन एकदम है? फटीक की, हाँ जी, फटीक की प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे. जैसे जब हाँ मैं चेकअप करवाती थी तो प्लेटलेट्स वो बोलते थे कि कम है, लाइक 110 थे मेरे, इससे ज्यादा नहीं होते. फटीक ही रहती थी. एक्चुअली मैम, मैं सिंगल मदर हूँ, तो थोड़ा सा ना स्ट्रेस, मतलब बेटे उसकी अपब्रिंगिंग सारी मैंने ही करी है बेटे की, तो थोड़ा स्ट्रेस क्वाइट नेचुरल ना, वो अनअवॉइडेबली होती है ऐसी चीज. कोशिश तो करती थी मैं, वैसे मैं बुक्स रीड करती हूँ, थोड़ा अपने आप को वैसे बिजी रखती हूँ, बट फिर भी स्ट्रेस तो होता ही है मैम. सिंगल पेरेंट. हाँ, तो उसी वजह से है एक्चुअली में अंदर जो है ना, फीवर हुआ, जैसे 2 बार टाइफाइड हुआ तो एंटीबायोटिक वगैरह लिया गया होगा, तो एक तो अंदर वो बुखार बना रहता है और एक्सेस फटीक का और भी वजह होंगी. अच्छा मैम, एक बात बताओ, आपका पेट वगैरह अच्छे से साफ होता है? मैम जैसे ना कॉन्स्टिपेशन मुझे बहुत सालों तक रही है, तो अभी 2-3 साल से ठीक है, लेकिन फिक्स टाइम जो है ना, मतलब साफ होने का, वो फिक्स नहीं है. जैसे कभी शाम को ना, कभी ऐसे, मतलब मॉर्निंग में मुझे होता है कि मॉर्निंग में अगर फ्रेश हो जाए तो सबसे बढ़िया, मतलब वो रूटीन नहीं अभी सर बारी मेरी. तो मैम, जब लंबा कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रही है, फिर तो गैस एसिडिटी वगैरह भी तकलीफ रही होगी. यस मैम, ब्लोटिंग तो ज्यादा और होती है. हाँ, वो ब्लोटिंग ऑब्वियस सी बात है, अगर पेट नहीं साफ होगा ना तो ब्लोटिंग वगैरह होगी ही होगी, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से और भी बहुत सारी तकलीफें हैं, जैसे सर दर्द होना या अच्छी नींद नहीं आना, और स्ट्रेस भी कई बार उस वजह से और ज्यादा हो जाता है. तो एक जी तो ये जी वजह रही है. तो मैम, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो मैम? नहीं मैम, मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर. प्योर वेजिटेरियन है. चलिए, तो ये जो बाहर का चीजें खाने पीने का, वो कितना रहता है आपका? नहीं मैम, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ. मैं मतलब मोस्टली मैं घर में खुद बनाना लाइक करती हूँ, जैसे कि सैंडविच खा लिए, बाहर का मैं नहीं खाती हूँ. हाँ कई बार बहुत सारे लोग घर में भी बहुत कुछ बना बना कर खाते के शौकीन होते मैम, हैं. मैं मैदा नहीं यूज करती. नहीं, मैदा अच्छा, बिल्कुल नहीं यूज करती. हाँ जी, हाँ जी, कोक वगैरह ओके. ये वो केक पेस्ट्रीज मैम मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि इतने साल तक ना थोड़ा स्ट्रेस में थे, तो थोड़ा खाने का जो इंटरेस्ट है वो भी कम
हो गया था, है ना, जैसा खाने का मन। वैसे भी मेरी हैबिट नहीं है, बाहर का मैं कम ही खाती हूँ, कम और मतलब टीचिंग खाती। को, जैसे मैम आप जो टीचर हो, गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब नहीं मैम प्राइवेट है, सीबीएसई स्कूल में हूँ मैं। हो? नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मैम टीचिंग में थोड़ा सा मैंने देखा और ज्यादा स्ट्रेस होता है, यस बस मैं मैम इस वजह से है, पूछ रहा हूँ वो है, क्योंकि प्राइवेट मुझे स्कूल है पता मैम, है सीबीएसई। कि बहुत सफोकेटिंग माहौल होता है स्कूलों का, तो बहुत प्रेशर होता है इस मैम, वजह आप से। कुछ का और बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, ये वो होता है, स्ट्रेस तो होता ही है मैम, क्वाइट नहीं आप हाँ बोल तो, सकते। हाँ तो इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में उतने टेंशन नहीं होती टीचर्स को, मुझे लगता है जितना प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को। तो मतलब चंडीगढ़ में मैंने जो देखा है ऐसा लगता है खून चूस लेते हैं, ये वाली कंडीशन रहती यस मैम मैं है। प्राइमरी होता है टीचर हूँ, इसमें आप, लेकिन तपर भी आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं मैम? जी मैम मैं सिख हाँ फैमिलीज तो बिलोंग करती हूँ मैं। करते हैं ना अमृत छकते हैं, मैंने वो किया हुआ, मैं हाँ दस्तार ट्राई करती हूँ, वो है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करिए, गुरुद्वारे वगैरह तो जाते ही होंगे आप रेगुलरली, तो उसमें स्टार्ट क्या होगा ना, करती थोड़ा सा आपका स्ट्रेस हूँ लेवल और कम रहे होगा। जी मैम। ठीक है, मेरे को तो आपका समझ में आ गया, वही मेन हेतु है मैम आपका, जो कॉन्स्टिपेशन सालों तक तो रहा है और स्ट्रेस रहा है, और इसी वजह से ब्लोटिंग वगैरह और भी सारी चीजों की है, और एनर्जी लेवल भी जो डाउन है ना वो स्ट्रेस की वजह से ही है, तो धीरे धीरे वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है शशि भाई, आपका, स्ट्रेस लेवल बहुत सालों से रहा है, शुरू से जारी ना हाँ सर काफी। वो तो स्कूल जॉब तो मैंने देखा है यहाँ के टीचर्स ना, वो बहुत ज्यादा रहता है, मैनेजमेंट ही बहुत। वो मिस मैचिंग हो गई थी, मतलब उसकी फैमिली की वजह से ना हाँ वो भी वजह है, उसको और जो माहौल है तो सारी चीजें काफी वही है ना, चिंतनात चिंतनम जो होता है कि जब परेशानी बहुत ज्यादा चिंतन करते हो तो रस धातु की तुष्टि होती है, तो उससे काफी तकलीफ होती है। कोई बात नहीं हुई। है, आपने आपने सर भी बहुत देखा कुछ ही है, गाइड वेल किया हुआ एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, सालों 7-8 साल कोर्ट कचहरी में जज जी बोलती है, आपका जन्म यहाँ गेड़े लगाने के लिए नहीं हुआ, तो उसकी वजह से काफी परेशानी हाँ सर, हो जाता है ये सब चीजें, कई बार जिंदगी में बहुत ट्रबल से हर इंसान गुजरता है रही। अपनी अगर अब जर्नी। ऊपर उबर गई है, इसके 2 बेटे हैं, एक तो उनके पास है, एक इसके पास था, उसको इसने अच्छा पढ़ा के ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा करा कर अमेरिका चला गया, इसका बेटा अमर एक रहती है वहां पर। हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, चीजें हो जाती हैं खराब तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप मतलब मैम परेशान नहीं हुई, जो हो गया सो हो गया, लाइफ में होती है अब कभी कभी कुछ चीजें, मैं जर्नी बहुत ऐसी होती है, तो उसमें बेटर मेडिटेशन। हाँ मैम हो हूँ। जाओगे धीरे धीरे, जो एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे और सर ने आपको बहुत कुछ गाइड कर ही दिया होगा, तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी मैम, और एक और किसी को कुछ? चीज हाँ प्लीज करनी बोलें। मैम, मुझे ना थोड़ी सी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, जैसे निप्पल ना मेरे इन्वर्टेड हैं, तो थोड़ी सी ना अच्छा स्प्रिंग होती रहती है ब्रेस्ट की, वो अच्छा साल अच्छा हो गई, तो अभी मैं मतलब कर नहीं है, जैसे पेन वगैरह पहले थी उसका मैंने ट्रीटमेंट लगाया था पीएम की, अभी मतलब ठीक वो है, हो जाएगा आपका। रेगुलर टेस्ट में करवाऊँ, आप भेजो या कुछ ऐसे ही। हाँ वो चीज अभी कर लेंगे, और कोई अभी आप कुछ बताना चाहते हो? ठीक है, नहीं तो मैं पूछती हूँ, किसी और को भी कुछ पूछना हो तो मैम से पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है पेशेंट से? नहीं पूछना है तो आप ट्रीटमेंट बता दीजिए, दवाई बता दीजिए। हाँ जी मैम, मैंने और डिस्कस करनी थी, मुझे डेंट है तो उसके कारण ना मुझे ईयर में प्रॉब्लम हो जाती है ना, आवाज नहीं आ रहे, पूरा। आवाज नहीं आ हाँ रहे। मेरे अच्छा साथ भी सर वही प्रॉब्लम हो रही, पूरा आवाज मैं नहीं सुन पा रही काफी टाइम से। तो मैडम आपको आवाज क्या क्या सही है? सिस्टम,
क्या क्या मैम, सिम्टम मैं मिला मैम वो बताइए, सिम्टम क्या क्या मिला? सर एक तो मैम का एनर्जी लेवल बहुत लो है, मतलब हाँ एनर्जी लो लेवल फील होता है, क्योंकि अभी उनको रिसेंटली हुआ था टाइफाइड, उसके पहले 2018 में उनको टाइफाइड हुआ था, और मैम को कॉन्स्टिपेशन काफी लंबे टाइम तक रहा है, इधर 2-3 साल से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, लेकिन अभी भी उनको मतलब वक्त बेवक्त जाते हैं फ्रेश होने के लिए, टाइम नहीं है। दूसरी बात है कि चूंकि स्कूल टीचर थे, तो स्कूल टीचर का बड़ा हेक्टिक और बड़ा सफोकेटिंग माहौल रहता है, तो जैसे उसमें पहले था बेगों का धारण की हिस्ट्री थी, तो सर ने गाइड किया था, तो उसके बाद अब तो नहीं बेगों का धारण करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन साथ में बेगों के धारण होने की वजह से उदावरता मतलब ब्लोटिंग की उनको काफी तकलीफ थी, पहले से उसमें आराम आया है, चाय वगैरह उन्होंने अब छोड़ा हुआ है, पहले लेते थे काफी, मतलब काफी क्या 2 लेते थे पहले, अभी तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो मेन सर उनकी हिस्ट्री जो है वो स्ट्रेस की, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि एक तो जॉब का भी रहा है, और जॉब के अलावा प्लस उनकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम रही है उसकी वजह से बहुत लंबा स्ट्रेस का है। तो रस धातु की दुष्टि है, और रस धातु की दुष्टि होने की वजह से तो इसका असर बहुत सारी जगह पर होगा। पेशेंट लीव हो गए? नहीं, पेशेंट पेशेंट हैं को आप डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, इनको आप आम पाचक बटी दीजिए, रस पाचक दीजिए और एक मन मिनट पे सर मैं काम। लिख लूँ, सर हाँ लिख सर मैं लीजिए। लिख लूँ, हाँ एक नंबर आम पाचक आम पेशेंट को पाचक लिख बटी, कराने। मेरा वाला आम नहीं पाचक बटी है आपके पास? सर मैं मंगवा लूंगा फिर बाद मैं में। भेज दूंगा। और इनको रस पाचक दे दीजिए, दो दो गोली सुबह शाम। और मन पे काम करने वाली दवाइयां जैसे ब्राह्मी बटी, स्मृति सागर रस बड़ी नंबर 3 पे सर दे दीजिए, नत से दे स्मृति दीजिए। सा स्मृति सागर रस। हाँ मानस मित्र गुटी का, ब्राह्मी ब्राह्मी बटी, वो और इनको नस से दे दीजिए, शीरबला तेल या अणु तेल। सर दिया हुआ है, सर दे दिया था मैं, अब और इसको दे हाँ रस शिरोधारा अगर निकालेंगे। पॉसिबल है तो शिरोधारा कर दीजिए। ए स्मृति सागर रस भी सर दो दो बट्टी, दो दो गोली हाँ दूंगा, हाँ ब्रह्मी बट्टी भी दो दो गोली सर सुबह हाँ शाम। हाँ नस्या नस्या सर कर रही है आप नस्य वाला करिए और शीर्बला स्वर्ण तेल सारस्वत ऋषि दे दीजिए, उससे दिमाग शांत हो जाएगा। स्वर्ण सारस्वत ऋषि, सर, स्वर्ण सारस्वत ऋषि चंडीगढ़ में मिल जाएगा आपको। लुधियाना है सर, हम तो लुधियाना रहते हाँ हैं। वहां पर भी मिल जाएगा। तर आप इससे शुरू करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। स्वर्ण सर्वस्त कौन सा रिष्ट सारस्वत ऋषि, स्वर्ण ये हाजिरा सारस्वत रिष्ट, ऋषि। हाँ स्वर्ण सारस्वत रिष्ट, ये 4-4 चम्मच दे दे सर डिलीट हाँ हाँ करके। दे दीजिए दे दीजिए। और कुछ पेट साफ करने के लिए एरंड तेल या त्रिवित लेहम दे दीजिए। त्रिवृत्तम लेह बहा दूंगा जी सर। हाँ वो दे दीजिए। इतना करिए, खाने में घी दे दीजिए। हाँ सर घी लेते, घी मतलब दाल सब्जी में डाल के लेती है ये त्रिवृत्तम हाँ लेह बहा। हाँ इससे ठीक हो जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। सर हाँ सर बाकी देख लो। हाँ क्योंकि टाइफाइड की हिस्ट्री थी इनका जो सर, रिपोर्ट्स है टाइफाइड वगैरह का, वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, सर विडार मैं से। लेके भेज दूंगा सर। पीछे हाँ मुझे इसको वो सर ये हड्डियों वाले डॉक्टर को इसको खड़ने में भी तो खड़के करना पड़ता ना जॉब पूरा, तो उसका भी पीछे काफी इसने इलाज पहले कराया था। अग्नि अच्छा होने दीजिए सर, ग्रहणी कला अच्छा होगा, भूख हाँ जी बढ़ेगा, हाँ जी रस धातु अच्छा होगा, फिर हम स्टेप हाँ बाय स्टेप जाएंगे ना आगे, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ मन अच्छा हो मैं जाएगा, माइंड हाँ से जी खुश रहने लगेंगे, फिर नस्य रहेंगे, फिर बाद में बस्ती करेंगे, टिक तक हाँ शीर जी बस्ती कर देंगे, हो अतिक जाएगा। सी बस्ती। हाँ सर मैं यहाँ पता करके ना इसको अवेलेबल करवा दूंगा। हाँ जी हाँ ठीक है सर, एक तो आम पाचक बट्टी, रस पाचक बट्टी, स्मृति सागर रस दो दो गोली, ब्रह्मी बट्टी, स्वर्ण सारस्वत, 4-4 चम्मच त्रिवृत्तम लेह, एक चमचा रात को ले लिया करेगी, है ना सर? हाँ हाँ 6 आइटम हो गया सर, है ना? इतना एक काफी है, इतना करके बाद में देखते हैं क्या करना है। हाँ 1 महीने के बाद फिर आप फॉलो अप कर लेंगे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। बताएगा सर, थैंक यू सर। ओके मेहरबानी, शुक्रिया। और रिजल्ट बताएगा 2 दिन 3 दिन पे कि क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं सर मैं इसको सूठी सिद्ध जल बताया था, हाँ पीछे इसको ना मैं अर्श कुठार रस दिया, उसके हाँ बाद ये काफी हद तक ठीक रही। शीरबला तेल दिया इसको पहले, इधर हमारे से ना 10-20 किलोमीटर अलग है लुधियाना से, एक जी गांव है, तो इसको फिर मैंने डाल के मैं कहा ऐसे डाल लिया करो, तो श्रद्धा से दवाई, जो श्रद्धा से दवाई लेता ना ठीक हो जाता, उससे नींद नूंद इसकी अच्छी हो गई, और सर, तेल और अभी दो सरदार जी जो मेरे पास आए थे मुंबई से,
जिनको हाँ मैंने हाँ खीर हाँ पता चल जाता है, वो लोग कैसे हैं अभी? हाँ वो मेरी बॉसी का लड़का है राजा। हाँ जी हाँ जी, वो हाँ बॉम्बे रहते हैं, उनसे बात होता रहता मेरा। ठीक तो अभी वो है लोग अभी कैसे हैं सर? ठीक है सर, ठीक है ठीक हाँ है। ये भी ठीक हो जाएंगी। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी हाँ सर, मैं अब से अब इनको ये सब सारा मेरे को कि मैं तो आपके हाँ आशीर्वाद से कर ही रहा हूँ, सारिया दवाइयाँ अरेंज करके इसको पहुंचा देंगे। तो जी आप पाचक बट्टी आप वाली फिर बुकवाएंगे, जो वो मेरे मौसी के लड़के को बोलूंगा वो लेके, वो हाँ आते रहते हैं सर लोकली हाँ आउट। हाँ ठीक है मैं दे सर, दूंगा। और ठीक सर आप है इनका विड्राल टेस्ट वगैरह जो भी रिपोर्ट्स है मुझे भेजिए, मैं और देखता हूँ क्या करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है मैं लेके आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है ठीक है सर, सर, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू, बहुत हाँ बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। और किसी को कोई केस बताना है थैंक यू डॉक्टर सो हरिहर मच सर? सर। थैंक यू मैम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये हमारे देश का सबसे नंबर वन चैनल है, यूट्यूब चैनल इस पे आता है, तो आप जी बिल्कुल जी चिंता मत करिए। सरदार जी से थैंक पूछिए, यू जितने लोगों को इन्होंने लाया, अपनी माता जी को और जिनको, सब लोग ठीक हो गए, तो आप बिल्कुल जी चिंता मत सर, करिए, पूरा ठीक हो जी जाएंगी आप। आप तो इतना अच्छा टीचर हैं, गुरु हैं, आप ठीक होंगी तो बच्चों को आप अच्छा शिक्षा देंगी। जी बिल्कुल चिंता मत करिए, हंड्रेड जी परसेंट सर, थैंक जी। यू सो मच। आप फिर से आइएगा, बार बार आइएगा, आते जी रहिएगा। जी ठीक है, थैंक यू मैम। जी सर, ओके हाँ डॉक्टर हरिहर ओके। सर, आप कोई केस बताना चाहते हैं क्या? ऐसे मुझे सर ने कहा था आधा घंटा ही करना है, मैं सेशन बंद कर दूं? मुझे नवीन सर ने कहा था आधा घंटा ही करना है, मैं सेशन बंद कर रहा हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।